नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका AEPP न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमारी। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन से लॉकडाउन में लोगों को डायलिसिस, कीमोथेरेपी और अन्य दवाओं की सुविधा बहाल की गई। ऐसा कहा गया कि 7,300 से अधिक गैर कोरोना रोगियों को इस हेल्पलाइन से मदद मिली। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का आज लद्दाख में निधन हो गया। मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना संक्रमित थे। केंद्र शासित प्रदेश में COVID-19 से ये पहला मौत का मामला सामने आया है। ईडी ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदम्बरम एवं उनके बेटे कार्ती पर आरोप पत्र दायर किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में पुलिस के 47 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित पुलिस जवानों की संख्या 2,556 पहुंची। साइक्लोन निसर्गा के मद्देनज़र महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों से अभी तक 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आज शाम 6 बजे से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। साइक्लोन निसर्गा के मद्देनज़र उड़ानों को रोका गया था। करीमगंज में एक बांग्लादेशी नागरिक रंजीत मुंडा को पशु तस्कर के शक पर पीटा गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बातचीत 6 जून को होगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निसर्गा ने मचाई तबाही, राहत एवं बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने JKPM के प्रमुख एवं पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल और 2 PDP नेताओं सरताज मदनी एवं पीर मंसूर के खिलाफ किया PSA रद्द। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में संक्रमितों की संख्या 2,718 हुई। 2 नए मौत के मामलों के साथ मृतकों की संख्या 35 पहुंची। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 8,909 नए मामले सामने आए। इसी के साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 2,07,615 के पार पहुंची। वहीं 217 नई मौत के मामलों के साथ मृतकों की संख्या हुई 5,815। और अंत में सेंसेक्स 284.01 बढ़कर 34,109.54 पर, वहीं निफ्टी 82.45 अंक बढ़कर 10,061.55 पर बंद हुआ। इसी के साथ समाचार संध्या का ये अंक समाप्त। नमस्कार।